सुबह सुबह की चाय ठंडी और बेजान नहीं बल्कि ताजी और करारी है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। दिन की परफेक्ट शुरुआत एएनबी न्यूज पर। आज की बड़ी खबरें, टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस ऑफ द डे में सबसे पहले हम करेंगे बात आज के उन इवेंट्स पर जिन पर होगी हमारी नजरें। शिवसेना को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी की जमानत अर्जी पर आज आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज फ्री स्कीम के मुद्दे पर सुना सकता है कोई बड़ा फैसला। भारत में फ्री स्कीम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट कर सकता है फैसला। केंद्र जहां पर राज्यों से फ्री स्कीम पर लगाम लगाने की अपील कर रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी फ्री स्कीम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को चुनौती दे रही है। तो ऐसे में क्या बंद होंगी फ्री बिजली और वाईफाई जैसी स्कीम? इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कोई बड़ा फैसला। आज खत्म हो रही है श्रीकांत त्यागी की न्यायिक हिरासत, सूरजपुर कोर्ट में होगी इसकी पेशी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में देर रात 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। दरअसल एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हुआ है। अब्दुल हमीद को एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का डीआईजी बनाया गया है और अब इस फोर्स का जो गठन है वो पहली बार किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में भूकंप से धरती हिली और रिएक्टर स्केल पर 3.9 इसकी तीव्रता रही। तो वहीं पटना में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों में जो लाठी चार्ज है उसमें तनाव अब भी जारी है और 3 इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं दिल्ली शराब घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई हुई। एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर सस्पेंड किए गए। तो वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में आज स्कूल को बंद रखा गया है। और भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला जो है वो भारत ने जीत लिया है और 3 मैचों की इस सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया है। तो ये थी ये वो टॉप मॉर्निंग न्यूज जो आपको रखती है अपडेट। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज़।